राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 37वां स्थापना दिवस आज। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने NSG कर्मियों को स्थापना दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए मांगे सुझाव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर, विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए शुभारंभ और शिलान्यास। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर मानेसर स्थित NSG कैंपस में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिया भाग। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनाई गई सुरक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा मामलों में केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं सजग। विश्व के काउंटर टेरर फोर्स में की जाती है NSG की गिनती। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा विश्व खाद्य दिवस। इस वर्ष खाद्य दिवस की थीम है, सेहतमंद कल के लिए अभी खाना रखें सुरक्षित। नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई कांग्रेस समिति की बैठक। बैठक में राहुल गांधी व सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97,23,00,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। देश में 2,01,000 के करीब मामले सक्रिय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शिया मस्जिद पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। बीते रोज नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए विस्फोट में 35 लोगों की हुई मौत और 70 घायल। अब खबरें खेल जगत से। फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप फाइनल में आज 7 बार के चैंपियन भारत की भिड़ंत नेपाल से होगी। IPL में चौथी बार चैंपियन बना चेन्नई सुपर किंग्स। खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराया। फाफ डुप्लेसी बने मैन ऑफ द मैच।